छात्र संघ का चुनाव में हेराफेरी का आरोप, आक्रोशित युवाओं ने जाम लगाया। मामला राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में छात्र संघ का चुनाव का है। एनएसयूआई प्रत्याशी लवकुश मीणा और समर्थक उमा मीणा ने आरोप लगाया कि वोटों में धांधली की गई। जानकारी के अनुसार वोटिंग के पहले राउंड में लवकुश मीणा को 4 वोटों से आगे और दूसरे राउंड में भी लवकुश मीणा की जीत हुई, लेकिन तीसरे राउंड में एबीवीपी अध्यक्ष पद प्रत्याशी काजल परमार को 54 वोटों से विजयी कर दिया गया। इससे नाराज समर्थकों ने आक्रोश में आकर हाईवे पर जाम लगाया और टायरों में आग लगाई। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर बाड़ी सदर थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा व ओम प्रकाश चौधरी पहुंचे और लोगों को समझा कर जाम खुलवाया। समर्थकों ने मांग रखी कि चुनाव निरस्त एनएसयूआई के साथ में गद्दारी हुई है। एनएसयूआई के साथ में गद्दारी हुई है। मैं एनएसयूआई की कार्यकर्ता सहजरा छात्रा प्रमुख उमा मीणा खानपुर से। आप क्या चाहते हैं? गुजारिश कर रहे हैं हम कि इलेक्शन दोबारा किया जाए, वरना हमें ये मंजूरी नहीं होगी, हम फिर से करेंगे। आप इलेक्शन दोबारा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? अगर इलेक्शन दोबारा नहीं हुआ हम जाम भी लगाएंगे, सब करेंगे, जो उपाय कर सकते हैं वो करेंगे हम। अगर जेल में डालना है तो डालो पूरे गांव को। हाँ, क्या वारदात हुई आपके साथ? मेरे साथ सर, जब हम वोटिंग रूम में अंदर घुसे थे तो मैंने सर प्रत्याशी अध्यक्ष लवकुश मीणा खानपुर से बोल रहा हूँ। हमारी वोटिंग होने के बावजूद, दो बार वोटिंग होने के बावजूद, पहले राउंड में 4 वोटों से आगे चला था। उसके बाद सेकंड राउंड में भी आगे थे, लेकिन थर्ड राउंड में जब बाकी की पेटी बची थी दूसरी, उसको खोला गया तो उसमें सिर्फ 150 वोट के समथिंग निकले, तो उसमें से केवल मेरे 20 ही वोट निकले थे, 20 क्या बल्कि 17 वोट निकले थे। और उसके बावजूद जो बिल्कुल किसी के भी हाथों पे नोटा नहीं लगा, मतलब किसी के भी उस पर निशान नहीं लगाया जाता, पूरे पेज पाए गए, कम से कम 20 वोट पेज मेरे पाए गए थे और 37 में से 28 पेज उसके पाए गए थे सोनल कुशवाहा के। क्योंकि ये सर, ये वो तो है नहीं, बी ए फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर फाइनल लड़के पढ़ रहे हैं, और इनके पढ़ने के बावजूद भी लड़के इतने कमार नहीं होते कि खाली जगह छोड़ दें। उसमें कम से कम कोई इतना तो कोई पढ़ा होता है, किसी न किसी पर तो हाँ निशान लगाएगा ही, ऐसी बात नहीं है कि निशान ना लगाए। और मैं तो सीधी बात कहूँगा कि हमारे साथ बिल्कुल बेशक अन्याय हुआ है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि सर हमारे साथ हमको इंसाफ दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता, वैसे मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चारों कैंडिडेट साफ निकल रहे थे, क्लियर। कहने का मतलब ये है, मेरी वो है संयुक्त सचिव है नेहा भानु, फर्स्ट राउंड में मैंने उनकी काउंटिंग की थी, 20 वोटों से आगे निकली थी वो, लेकिन सेकंड राउंड में जाके थर्ड राउंड में उसको बिल्कुल 9 वोटों से पीछे कर दिया गया था। आपने हाईवे जाम किया है तो किस कारण बस किया था? हमारे मेरे पास उस दिन हम प्रचार करके फर्स्ट दिन आए थे मलिंगा जी की ऑफिस के सामने, बिल्कुल मलिंगा जी की ऑफिस के सामने मैं खड़ा होकर बात कर रहा था, तो लाला ठाकुर नाम का लड़का मेरे को कट्टा दिखा के बोल रहा था कि ना तो एनएसओआई का प्रचार करना है, ना आईडी पे एनएसओआई की पोस्ट करनी है, और बोल रहा था अगर तू कह दो तेरे हाथ पैर तोड़ दो, ऐसे चलने लायक नहीं रहेगा। तो वहाँ पे ये सब काम मलिंगा जी के ऑफिस के सामने हुए हैं, और ये कहने का मतलब ये है कि मलिंगा जी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हमारा। तो मलिंगा जी क्या कर सकते हैं इसमें आपके मैटर में? मलिंगा की ऑफिस के सामने प्रत्याशी पे कट्टा रखा जा रहा है, ये मलिंगा जब एमएलए की ऑफिस के सामने ऐसी धमकी दी जा रही है, कांग्रेस के विधायक होते हुए भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे धमकी दी जा रही है, समाज स्वार्थी किया जा रहा है इन लोगों को। और हमारे 405 वोट में से 148 वोट कैंसिल किए गए थे, ऐसे थोड़ी होता है कि इतने वोट कैंसिल कैसे हो जाए। 105 कैंसिल मैं मानता हूँ, कैंसिल की मैं कबूल करता हूँ कि कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खाली पेज कभी भी नहीं निकलते, मैंने आज तक ऐसे कभी भी नहीं देखा, दो चुनाव में निकल चुके हैं, ऐसे एक भी वोट मैंने खाली नहीं देखा। जाम का कारण क्या है? आप दोबारा चुनाव रिपोल कराना चाहते हो? एक मेन रीजन है जाम का, सबके मेरे भाई और सबका, इन्होंने गांव वालों ने मेरे सपोर्ट किया है, तो इनका सबसे पहला मेन रीजन है कि वोटिंग द्वारा की जाए, वोटिंग द्वारा करने का मेन रीजन है जाम करने का।